भाजपा की सरकारें हैं और पिछला लोकसभा का चुनाव भी पार्टी ने 4 लाख से अधिक मतों से जीता था। ऐसे में अपनी जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थी, जिस कारण उपचुनाव में हार हुई है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली हार पर मंथन करने के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उनके गृह क्षेत्र में जो लीड मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को कुछ स्थानों से श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मिले हैं, लेकिन यह वोट हर बार नहीं मिलेंगे। जयराम ठाकुर ने हार की जिम्मेवारी लेते हुए कहा कि जो कमियां रही हैं उनमें सुधार किया जाएगा। मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों की डिटेल रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी और वहां से जो निर्णय होगा उसी पर काम किया जाएगा। सरकार हमारी है, दिल्ली में भी, प्रदेश में भी, इस भाव के साथ थोड़ा हम अति उत्साह, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, उसमें इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। अभी जब पिछले कल से हमने इसका चिंतन मंथन मैंने अपने ही विधानसभा क्षेत्र से शुरू किया, हालांकि मेरे विधानसभा क्षेत्र से 21,600 की बढ़त जो है वो भाजपा को मिली है। लेकिन मेरा अनुमान यह था कि वहां पर हम थोड़ा और बढ़ सकते थे, इसलिए बढ़ सकते थे क्योंकि संभावना वहां पर थी। पिछली बार लोकसभा के जनरल इलेक्शन में हम बहुत आगे थे उस। देखिए, ये सारा चीज ना, अब हमने यहाँ से शुरुआत की है, यहाँ से शुरुआत करने के पश्चात जो है इसको प्रदेश कार्य समिति की बैठक में होगी, कोर ग्रुप की बैठक में होगी, उसके बाद पार्टी का केंद्र का नेतृत्व तय करेगा सारी चीजों को लेकर। उनको पूरा फीडबैक देंगे इस बात को लेकर के कहां एक एक विधानसभा क्षेत्र का, एक एक विधानसभा क्षेत्र का। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में पार्टी के अंदर जो है वो निर्णय करने की प्रक्रिया तेज भी होगी और उसके बाद थोड़ा सख्ती भी होगी। सरकार संगठन दोनों सारी चीजों को लेकर के सुनिश्चित करेगी। ओवर कॉन्फिडेंस, कोई नाराजगी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस एक बात। दूसरी बात, हम उस चीज को प्लान करने में थोड़े चुके जो मतदान केंद्र पर हमको पोलिंग बूथ पर हर अपने वोटर को पहुंचाना चाहिए था। अब देखिए, अब चलो ये आपका और हमको एडिशन कर रहे हैं हमारे इसमें समीक्षा में जो बात कह रहे हैं आप उन सारी चीजों में। लेकिन आए इस तरह की बातें आई हैं, कुछ बातें आई, लेकिन सब लोगों ने ऐसा भी है, काम भी किया है, लेकिन आकलन असेसमेंट में बहुत बड़ी चूक हुई है। और खासतौर से पर्टिकुलरली पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए लोगों को पहुँचाना, अपने समर्थकों को पहुँचाना, अपने कैडर को पहुँचाना, इसमें थोड़ा सा ही अंतर रहा। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस वाले तो उसको अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन मैं पार्टी के अंदर हूँ, पार्टी की वजह से हूँ, पार्टी का नेतृत्व तो जो निर्णय करता है, हम तो उसके साथ चलने वाले लोग हैं, किसी के कहने पर नहीं कुछ होने वाला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे पहले भी कई सत्ताधारी दल उपचुनाव हारे हैं और इनका आम चुनावों से कोई लेना देना नहीं होता है। उन्होंने कहा कि 2022 में जो चुनाव होगा उसमें भाजपा पूरी जी जान से काम करेगी और प्रदेश में फिर एक बार भाजपा की सरकार बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान जो हार हुई है उसका दुख तो है, लेकिन यह भविष्य में बेहतर काम करने का संकेत भी है, इसलिए भविष्य में और ज्यादा मेहनत के साथ काम किया जाएगा। चुनाव आने वाले विधानसभा के जनरल इलेक्शन को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होंगे, ये परिस्थितियां बहुत अलग तरह की थी, इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं। और समय पर अलर्ट मिलना यह हमारे लिए भले ही फिलहाल दुखदायी है, पीड़ादायक है, लेकिन आने वाले समय के लिए सतर्क होकर के काम करना, ज्यादा परिश्रम के साथ काम करना, उसके लिए इस समय पर है। हमारे पास समय है,
जहां कमी रह गई, कसर रह गई, उन सारी चीजों का आकलन सरकार और संगठन के स्तर पर अलग अलग तरह पर हम कर रहे हैं। जुटेंगे, जोश के साथ, जुनून के साथ निकलेंगे और 2022 में निश्चित रूप से सरकार बनाने के उस आंकड़े को फिर से पार करेंगे। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और गोविंद सिंह ठाकुर सहित मंडी संसदीय क्षेत्र के सभी विधायक सहित अन्य नेता व पदाधिकारी भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए मंडी से शिवानी की रिपोर्ट।